सुबह उठता था, सेल्फ वॉमिट करता था, फिर पानी पीता था, ज्यादा था ब्रेकफास्ट करता था, खाना बहुत कम खा पाता था। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड शोइंग सो मच ऑफ लव। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद ही कोई एड्रेस करता है, और अगर आप एड्रेस भी करो उस चीज़ को तो लोग हंसते हैं, जो मेरे साथ हुआ। इट इज़ ऑल अबाउट सी सिकनेस, जो सी सिकनेस होती है। नाउ ये वाला टॉपिक मैंने इसलिए उठाया बिकॉज ये जो चीज़ है मेरे लाइफ से बहुत ही खतरनाक तरह से जुड़ी हुई है। बिकॉज यस आई नो आई एम अ सी सिक एंड आई एम अ सी सिक सी सेलर एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट। साला कोई बोलता नहीं है पर अपन बोलेगा, हम किसी से नहीं डरता है। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बता देता हूँ। नॉर्मली व्हेन आई वाज इन आई गेस 9th or 10th, सो वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम कोलकाता टू अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में हम लोग थे 2 साल के लिए। एक बार हम लोग को हम नॉर्मली फ्लाइट में जाया करते थे बट एक बार क्या हुआ कि देयर वाज सो मच ऑफ स्टॉर्म और ये सब, तो फ्लाइट बंद हो गई एंड वी हैव टू गो बाय अ शिप एंड इट वाज अ 3.5 day जर्नी। आई स्टिल रिमेम्बर मी माई मदर टोटली ब्लैंक बिकॉज जुलाई का टाइम था और सी बहुत ज़्यादा रफ था एंड रोलिंग पिचिंग हो रही है। ध्यान SCI का शिप था, मैं नाम मुझे याद नहीं है, पैसेंजर शिप, एंड हम लोग का कैबिन सबसे आगे था। भाई मैंने 3.5 दिन कुछ नहीं खाया था, मेरा पेट एकदम पचक गया था एंड इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। बट फिर जब मैं 12th में आया और मैंने डिसाइड किया कि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने वाला, तो मेरे पापा ने सबसे पहले मुझे बोला बेटा तुम कर लोगे ना। तब तो इतने बड़े कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था, मैं बोला पापा हाँ मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लो। पर आपका बेटा अभी तक कर रहा है पापा। सो गाइस जैसे ही मैं पहले जहाज पे गया तो मुझे मालूम था मुझे सी सिक है, बस चौड़ में गया। बट तो जैसे ही जहाज हिलने लगा, ये वाली स्टोरी मैंने आपको पहले ही बताई है, बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा। देन उसके बाद क्या हुआ कि एक हमको 27 days का रोलिंग मिला। अब वो 27 days का रोलिंग मिला, मतलब सोच सकते हो तुम क्या धक्का लगा होगा मेरे को। आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज यार, मतलब इतना बुरा हाल हो जाता है ना, इतना बुरा हाल हो जाता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आई एम स्टिल ए सी फेयर एंड आई एम सी सिक, बट आई एम हैप्पीली एंड प्राउडली शेयरिंग दिस थिंग विद यू गाइज बिकॉज आई नो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए पहले से ही। नो इश्यूज, क्या होगा, कैसे होगा, क्या ट्रीटमेंट है, क्या सिम्टम्स है, सब बताऊंगा। धीरे धीरे सुनते जाओ, लास्ट तक रहना इसमें। तब तक के लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब 27 दिन लगातार यार, मैं रोज सुबह आता था 5:30 बजे, आऊँगा साउंडिंग लूँगा, ऐसे ऐसे करके साउंडिंग लूँगा, साउंडिंग रख दूँगा, डाल दूँगा, लिख दूँगा, लॉग बुक लिख दूँगा, राउंड ले लूँगा। थोड़ा टाइम पास करना पड़ता था क्योंकि बिकॉज नहीं होता था, टू बी फ्रैंक नहीं होता है। एंड उस टाइम पे मुझे लगता था यार मैं अगर कर नहीं पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, कैसे होगा, लोग मुझे जज करेंगे, मैं अच्छा कैडेट नहीं कहला पाऊँगा। बट एवरी वन वॉज फ्रैंक विद मी एट दैट टाइम, कोई मुझे कुछ नहीं बोलता था। माई सेकेंड इंजीनियर वॉज वेरी सपोर्टिव, माई चीफ इंजीनियर वॉज वेरी सपोर्टिव, बस मुझे सिखाते थे कि इसको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो उसके लिए कैसे टैकल करें। तो बहुत पापड़ मिले हैं मुझे। वो दिन भी याद हैं जब मेरा एक रूटीन बन गया था, मैं सुबह उठता था, पानी पीता था। तो नॉर्मली क्या होता है ना, जब आपको सी सिकनेस होती है और जहाज़ हिल रहा होता है तो आपको ऐसे उल्टी वाली फीलिंग आती है, तो वो वाली फीलिंग को हटाने के लिए मैं करता था, मैं सेल्फ वॉमिट करता था। तो सुबह उठता था, सेल्फ वॉमिट करता था, फिर पानी पीता था, ज़्यादा था ब्रेकफास्ट करता था, खाना बहुत कम खा पाता था मैं। आई नो बहुत लोग बोलते हैं कि खाना बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, पेट भर के रहना चाहिए, बट नहीं होता था यार, टू बी फ्रैंक गाइस नहीं होता था। मैं होता ही था, मानो या ना मानो मेरे से नहीं होता था यार, अपना अपना फंडा है सबका, मेरे बॉडी मेरी है, मैं जानता हूँ, नहीं होता था। फिर मैं जाता था इंजन रूम में, बहुत थका हारा एकदम, मतलब नींद मिली है फिर भी थका हारा। गया इंजन रूम में, थोड़ा मोड़ा काम किया, हेल्प वेल्प किया। नॉर्मली इसमें क्या होता है, जब आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो आपको सी सिकनेस नहीं होता। ये एक बहुत मस्त फैक्टर है इसका, माइंड डाइवर्ट सी सिक नहीं होगा। बट साला माइंड डाइवर्ट नहीं कर पाते थे हम, उसी में घुसे रहते थे। दैट वॉज बिकॉज
मेरा जो दिमाग था ना मेरे कंट्रोल में नहीं था, और नॉर्मली ये हर ह्यूमन बींग के साथ होता ही है। आप अपना दिमाग तभी कंट्रोल कर सकते हो जब आप बहुत भयंकर मेडिटेशन कर रहे हो एवरी डे, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, फिर मैं बहुत सिकनेस रोलिंग होती रहती थी, इसी सिकनेस हो रही है क्या करें क्या करें, बीच बीच में अगर ज़्यादा होता था तो मैं जाता था फिर से सेल्फ वॉमिट करके आ जाता था, थोड़ा पानी पीता था, हल्का हल्का पानी पीता था, खाली पेट है खाली पेट में और होगा। फिर मैं लंच के टाइम पे अपने कैबिन में जाता था, पानी पिया होता था जो भी था, हल्का सा वॉमिट करता था और फिर लंच करने बैठ जाता था। अब लंच जब करते थे ना यार, चावल होते खाना देख के अजीब सा लगता था, रोलिंग हो रही है खाना देख के अजीब लगता था, कैसे खाए जबरदस्ती खा रहा हूँ मैं, खा रहा हूँ। आप समझ सकते मेरी फीलिंग क्या थी उस टाइम पे। फिर मैं खाना खाया, थोड़ा अच्छा लगा, फिर मैं गया इंजन रूम में, तब मेरा डे वर्क हुआ करता था, इंजन रूम में गया थोड़ा मोड़ा काम किया, फिर आया डिनर से पहले वही वॉमिट किया, डिनर किया और रोलिंग दिन में क्या करता था, जल्दी सो जाता था, नींद बड़ी अच्छी आती है, ऐसे लगता है कि नींद पूरी हुई नहीं, सर आप 9-9 घंटा भी सो लो फिर बोलोगे नींद पूरी हुई नहीं, वो मैं स्टार्टिंग के डेज बोल रहा हूँ। सो ये वाला क्रियाक्रम चलता रहता था, सर आप परेशान हो गया था, बट देन धीरे धीरे क्या हुआ, सेकेंड शिफ्ट वही एक्सपीरियंस था, बट उल्टी आना बंद हुआ, थोड़ा कंट्रोल करना शुरू किया, फिर नेक्स्ट शिफ्ट उल्टी आना पूरा ही बंद हो गया, हेडेक होना शुरू हुआ, थोड़ा यहाँ पर हेडेक होता था, यहाँ पर हेडेक होता था बस, फिर नेक्स्ट शिफ्ट अब क्या है वो हेडेक भी बहुत कम हो गया है। सो पहले मैं सोचता था यार क्या मैं कर पाऊँगा, बट अभी आके मैं सोचता हूँ कि यार ये तो कोई रीज़न ही नहीं था। सो इससे एक शिक्षा ये मिलती है कि लाइफ में जल्दबाजी में डिसीजन लेना ज़रूरी नहीं है और नहीं लेने चाहिए। नाउ मैं आपको सी सिकनेस के बारे में बता देता हूँ, ये एक लोचा है जो दिमाग में होता है। वो कैसे पता लगे, अगर आपको मोशन सिकनेस है लाइक कार में बस में, मेरे को हुआ करती थी अभी भी है ऑलमोस्ट, तो आप समझ जाना आपको जहाज पे सी सिकनेस होगी। अगर आपको फिर भी जहाज पे जाना है कोई बात नहीं, हमें इतना चल दीजिए, अभी आपको जहाज में करना है, जबरदस्ती खाना खाना है, खट्टा अचार लिक्विड कम लेना है, भर भर के ब्रेड खाओ, भर भर के खाना खाओ, भयंकर खाना खाओ, ट्राई करो पूरा, वॉमिट आ रही है कर डालो फिर खाओ, वॉमिट करो कर डालो फिर खाओ, यही होता था। इवन मैंने सी वाटर भी पिया है, मुझे याद है मुझे बोसन ने पिलाया था सी वाटर, बोला सी वाटर पी सब ठीक हो जाएगा, मैं बोला इतना कुछ कर लिया अब ये भी कर लेते हैं, सी वाटर लिया पी गया, ओ बोसन के मुंह में उल्टी मारी मैंने उस दिन उसके बाद बोसन मेरे साथ नहीं आया। सो गाइस ये एक ऐसी, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज नेचुरल इन ह्यूमन बींग, किसी किसी में होती है किसी किसी में नहीं होती। अभी नॉर्मली मैं देखता था पहले शिप में सब चिकन फाड़ रहे हैं, जहाज ऐसे ऐसे हिल रहा है सब चिकन फाड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं दबा कर खा रहे हैं, मैं सबको ऐसे देख रहा हूँ और मन ही मन सोच रहा हूँ यार क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी झंड हो चुकी है और ये लोग बराबर खा रहे हैं, और डीएमई खाओ खाओ कुछ नहीं होता टेंशन मत लो। बट एक लीवरेज ये मिल जाता था कि यार सब लोग समझते हैं इसके बारे में, सबको स्टार्टिंग में ये हुआ है। तो ये जो टॉपिक है मैंने आपके साथ आज शेयर किया, दिस इज़ अ वेरी ऐसा टॉपिक जो शायद बंद सा है, कोई किसी के बारे में बात नहीं करता है, शायद अभी कमेंट सेक्शन बढ़ जाएगा इससे, आप लोग देखना। सो दिस इज़ नॉट ए बीमारी, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज़ को लेकर के मोचने भी छोड़ना भी मत गलती से, ठीक है। और जहाज पर अगर ऐसा होता है तो यू विल गेट टाइम, यू विल गेट दैट थिंग, यार कोई बात नहीं इसको है तो है। इवन आई हैव सीन चीफ इंजीनियर सेकंड इंजीनियर को ये सबसे प्रॉब्लम होता है, सबको होता है यार, सबका शरीर है, सब ह्यूमन बींग है, एक इतना बड़ा जहाज हिल रहा है साला और तुम उसमें काम कर रहे हो और धड़ाधड़ हिल रहा है, होता है, सबका अपना अपना जरिया है, सब अपने अपनी बॉडी को पहचानते हैं, आपको अपनी बॉडी पहचाननी पड़ेगी, क्या हो रहा है देखना पड़ेगा। आपको इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इस चीज़ को लेकर के कम नहीं खाना है, जो मैं गलतियाँ करता था वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बट टू बी फ्रैंक इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट समथिंग लाइक अ बिग इशू, इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, ये सेल्फ क्योर्ड है, मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, ऑलमोस्ट मैं सब वीडियोस में ये बोलता हूँ। सो गाइस आई गेस आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो आज के लिए इतना ही, ये जो टॉपिक है अगर आप चाहते हो कि दूसरों के साथ भी शेयर हो, प्लीज़ गाइस शेयर करना, लाइक कर देना वीडियो, ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लव, थैंक यू।